हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम योर मैथ टीचर. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एलकेजी, प्रोवाइड बाय रेडियंट पब्लिक स्कूल दरियाबाद. टुडे विल बी डिस्कस अबव एंड बिलो द ओड वन आउट पार्ट एंड होल. आज हम क्या सीखेंगे? अबव एंड बिलो द ओड वन आउट पार्ट एंड होल. ओके, लुक एट दी पिक्चर. आपको बेटा क्लियर पिक्चर दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अबव एंड बिलो. अबव मीन्स क्या होता है? ऊपर. बिलो मीन्स नीचे. इस पिक्चर में सिर्फ आपको समझाया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? द फैन इज अबव द टेबल. फैन क्या है? टेबल के ऊपर दिख रहा है ना आपको. जैसे आपके रूम में फैन लगा हुआ तो ऊपर ही तो लगा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? अबव. द कैट इज बिलो द टेबल. टेबल के नीचे क्या है? कैट. तो इसको क्या बोलेंगे? बिलो. तो अबव मीन्स क्या हुआ? ऊपर. बिलो मीन्स नीचे. तो आपको डिफरेंस पता चल गया ना कि अबव क्या होता है एंड बिलो क्या होता है. ओके बेटा, चलिए अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. ओके, लुक एट दी पिक्चर. आपको पिक्चर में एकदम क्लियर दिख रहा है ना? अभी मैंने आपको क्या बताया? अबव. अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे. तो इसमें क्या पूछ रहा है? सर्कल द थिंग्स अबव द ट्री. इसमें पूछ रहा है ट्री के ऊपर जितने भी थिंग्स हैं, हमें उसमें क्या करना है? जितने भी पिक्चर हमें उनमें सर्कल करना है. जैसे यहाँ पे देखिए, ट्री के ऊपर क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है. एंड आप बताइए क्या दिख रहा है? वेरी गुड, एरोप्लेन. और क्या दिख रहा है? बर्ड. गुड. अब नीचे क्या पूछ रहा है? क्रॉस द थिंग्स बिलो द ट्री. ओके, इसमें पूछ रहा है ट्री के नीचे जितने भी आपको पिक्चर दिख रहे हैं उसमें हमें क्या करना है? कट का निशान लगाना, मतलब क्रॉस का. यहाँ देखिए कैट दिख रहा है आपको, तो इसमें हम क्या करेंगे? कट का निशान लगाएंगे. गुड. और क्या दिख रहा है बेटा आपको? बॉल. वेरी गुड. और यहाँ टू बच्चे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम कट का निशान लगाएंगे. तो आपको डिफरेंस पता चल गया ना अबव एंड बिलो में? अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे. वेरी गुड. अब क्या सीखेंगे हम? द ओड वन आउट. वेरी गुड. ओड वन आउट. इसमें आपको क्या करना है? जैसे द चेयर इज नॉट एन एनिमल, इट इज द ओड वन आउट. यहाँ थ्री पिक्चर दिए हुए हैं. इन थ्री पिक्चर में जो डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, हमें उसमें क्या करना है? टिक लगाना है. जैसे देखिए, एलिफेंट ये एनिमल है और ये एनिमल है. तो चेयर क्या है? ये तो एनिमल है नहीं, ये फर्नीचर है. तो इसमें हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगाएंगे. ओके, द टिक द ओड वन आउट. यहाँ फोर पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें से वन जो डिफरेंट होगा हमें उसमें क्या करना है? टिक लगाना है. जैसे देखिए, ये फर्नीचर है, ये भी फर्नीचर है, ये भी फर्नीचर है. ये क्या है? कैट. एनिमल है ना, ये तो फर्नीचर है नहीं. तो इसमें हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगाएंगे. वेरी गुड. चलिए अब इसमें आप बताइए, इसमें कौन सा सबसे डिफरेंट है? ट्री? नो. फ्लावर? नो. कार? वेरी गुड. इन चारों पिक्चर में सबसे डिफरेंट क्या है? कार है. तो आपको ओड वन आउट पता चल गया ना? फोर या थ्री पिक्चर दिए होंगे, उसमें से जो वन सबसे डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, हमें उस पर क्या करना है? टिक का या फिर सर्कल लगाना. ओके, वेरी गुड. अब हम क्या सीखेंगे? पार्ट एंड होल के बारे में. ओके, पार्ट मीन्स क्या होता है? आधा. होल मीन्स पूरा का पूरा भाग. इस पिक्चर में सिर्फ आपको समझाया गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. ओके, सिर्फ आपको इसमें देखना है और समझना है कि पार्ट क्या होता है, होल क्या होता है. दिस इज अ होल पिज्जा. होल मीन्स अभी आपको हमने बताया है कि पूरा का पूरा भाग. ये पिज्जा क्या है? पूरा का पूरा भाग है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द पिज्जा. पार्ट मीन्स आधा होता है, तो ये क्या है? पिज्जा का आधा पार्ट है. गुड. चलिए, आपको समझ में नहीं आया, नीचे आप देखते हैं, यहाँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा. दीज आर टू पार्ट ऑफ अ काइट.
वन पार्ट ये दिया हुआ है, वन पार्ट ये दिया हुआ है, इक्वल टू कितना आया, होल काइट। ठीक है, काइट का आधा पार्ट यहाँ दिया हुआ है, आधा पार्ट यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा काइट यहाँ हो गया। तो आपको पार्ट एंड होल के बारे में पता चल गया ना, पार्ट मीन्स आधा भाग, होल मीन्स पूरा का पूरा भाग। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैच अ पार्ट ऑफ ईच फ्रूट द होल फ्रूट, यहाँ पे पार्ट फ्रूट दिया हुआ है एंड होल फ्रूट, मतलब आधा फ्रूट का आधा पार्ट दिया हुआ है और पूरा पार्ट भी दिया हुआ है। देखिए, होल वाटरमेलन एंड पार्ट वाटरमेलन, इससे ये क्या है, मैच है। जैसे ये क्या ऑरेंज है, होल ऑरेंज पार्ट ऑरेंज, इसको हम क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे। होल एप्पल पार्ट एप्पल, इसको हम इससे मैच करेंगे। होल पाइनएप्पल पार्ट पाइनएप्पल, इसको इससे मैच करेंगे। तो आपको डिफरेंस पता चल गया ना, पार्ट एंड होल क्या होता है, पार्ट में आधा, होल में पूरा का पूरा भाग। तो आज आपने क्या क्या सीखा, एबव एंड बिलो, एबव मीन्स होता है ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। द ओड वन आउट भी आपने सीखा, ओड वन आउट क्या होता है, जिसमें फोर पिक्चर दिए हों, जो एक पिक्चर सबसे डिफरेंट हो, हमें उसमें टिक या सर्कल लगाना होता है। पार्ट एंड होल, पार्ट मीन्स होता है आधा भाग, होल मीन्स पूरा का पूरा भाग। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक अपनी फिल करना है, अगर जिन बच्चों के पास पास बुक है नहीं है तो अपने नोटबुक में नोट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जो बच्चे अच्छा करेंगे उन्हें वेरी गुड मिलेगा एंड स्टार मिलेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।